अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज ही काफ़ी देर हो गई है वीडियो बनाने में, तकरीबन 3:30 का टाइम है अभी, और परिंदे मैंने आते ही सब खोल दिए, सब ख्वाहिशात खोल दिया, एक बस बंद है। इनकी पहले लड़ाई हुई थी थोड़ी सी, अब ये दोनों साथ ठीक हो गई हैं। इसकी हालत देखें, अभी ठीक है, मौसम इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अभी से इनका ये हाल है, तो आगे इनका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, पंखे वगैरह का, इसके बगैर तो नहीं रह सकते। तो चलें दाना पानी शुरू करते हैं, इनका दिखाते हैं साथ साथ आपको। सबसे पहले तो जी हमेशा की तरह इनको फ्रूट डालना है। इनकी हालत देखें आप, ये इंतज़ार ही कर रहे थे मेरा, अभी इन्हें मैं डालता हूँ फ्रूट। इनको डाल गया जी फ्रूट, ये खा रहे हैं। इतनी देर में हम जाते हैं अपने अगले परिंदों की तरफ। ये जी मैंने काटा ही सेब इसलिए ज़्यादा था कि इन्हें भी डाल सकूं, तो ये चेक करिएगा अभी आप, ये खाते किस तरह सेब। वैसे ही डरते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब इन्हें सेब दे दो तो ये देखें, अब उसे ही पता चल गया, सेब इनको बहुत पसंद है। इसको भी मैं यहाँ पे ले गया हूँ, और गर्मी से काफ़ी लगी है, पानी पी रहा उस टाइम से। इनका अभी तक सेब नहीं ख़त्म हुआ, वैसे एक मिनट में इनका सेब ख़त्म हो जाता है, लेकिन यह है कि इन्होंने ना खुद खाना है ना किसी और को खाने देना है। ये देखें जी, और मैंने उसे सेब डाला, उसने अंदर से निकाल लिया, और ये इधर बदमाशी करने आ गया। आज ऊपरली मुर्गियों को अभी तक मैंने नहीं खोला, उन्हें भी खोलते हैं अभी ऊपर जाके। वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो लड़ पड़े हैं। चलें यहीं पे सेब खाते रहेंगे, तब तक मैं ऊपरली मुर्गियों को खोल लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको साथ। देखें जी, ये भी मेरा इंतज़ार कर रही थी, सुबह से इन्हें खोला नहीं है, गर्मी बहुत थी, मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, पानी वाला बर्तन इनका खुश्क हुआ है, तो अब इन्हें खोला है, अब ये खुशी है यहाँ पे घूमेंगी। तो चेक करते हैं उन्होंने अंडे वगैरह दिए हैं कि, आज भी छुट्टी है इनकी, तो नहीं जी कोई अंडा नहीं है। आज कोई चौथा दिन है, 4 दिन में इन्होंने एक अंडा दिया सिर्फ। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से परिंदे कमज़ोर हो रहे हैं, तो तब शायद थोड़े दिन अभी रेस्ट पे हैं ये, जैसे ही मौसम ठीक होगा थोड़ा तो इन्होंने दोबारा अंडे देने शुरू कर देने हैं। एक बैड न्यूज़ है जी, और बैड न्यूज़ ये है कि ये मुर्गी हम लाए थे चूज़ों के लिए, लेकिन ये है अंडों पर नहीं बैठ रही, 3-4 जगह मैंने इसकी चेंज की हैं, लेकिन इसे कोई जगह नहीं पसंद आ रही। क्या ये सही कड़ूक नहीं है? खुद अपनी कोई जगह अपनाएगी तो इसे बिठा के देखेंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि ये बैठेगी अभी। ये जी इसको देखें, माशाल्लाह मुर्गे दोनों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन दोनों जिस दिन इकट्ठे खुल गए या जिस दिन इसे गुस्सा आ गया, तो इन दोनों में से किसी एक ने जो है ना साया हो जाना। ये भी खाना मांगने आई है, सेब उठा के लाता हूँ, डालता हूँ इन्हें। ये देखें जी, अभी से 2 दिन हुआ है बॉक्स से बाहर, और इसने खाना पीना शुरू कर दिया, और जो सेब ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तोते, ये वो उठा रही हैं, अभी इसको मैं खिलाता हूँ सेब। सल्लू भाई आ गए हैं, वो देखें वो सेब उठा के भाग रहा है इससे, लेकिन इन्होंने बाहर नहीं आना, इन्होंने तो खाना है, ये किसकी सुनते हैं। ये मुर्गी जी हमारी, इसने एक दफ़ा 2 अंडे दिए, फिर ये बीमार होगी, अभी इसने दोबारा 2 अंडे दिए हैं, 2 नहीं बल्कि 4 अंडे दे दिए हैं इसने, और फिर अभी अंडे नहीं दे रही। तो सारी मुर्गियाँ भी रुकी हुई हैं, समझ नहीं आ रही क्या मसला है।
मुझे तो बहुत इंतज़ार है इस जोड़े के बच्चों का, क्योंकि मुझे आपको पता है बहुत पसंद है ये पेयर। इंतज़ार ही कर सकते हैं अभी, जो दो चार अंडे पड़े हुए थे उस पे से भी ठाना था और ये बैठ नहीं रही, तो इसे आज वापस भी जवा देंगे, देखेंगे। हमारे किसी काम की तो है नहीं अभी ये, तो आज मैं बोलूँगा दोस्त को इसे वापस ले जाए। अभी इसे सेब डाला जी मैंने और ये इसे खाने नहीं दे रहा, ये देखें इसकी कोशिश है किसी तरह ये उठा ले, और ये काफ़ी डरा हुआ है अभी, इसे खा तो लेगा डर है, इसे साइड पे करना पड़ेगा थोड़ी देर। और ये वहाँ से अब उठा रहे, उधर से वो सेब उठा के लिए हैं तोतों का, सेब के पीछे बहुत पागल हैं। अभी इसने खाना नहीं है ना, इसे मेरे ख्याल से इतना पसंद है, लेकिन इसे पसंद है इसे खाने नहीं देना, इसे ही देखे निकाल लिया इसने, बदमाशी करता उसके साथ, और शरीफ है ना बेचारा इस वजह से। अच्छा जी, आपने अक्सर मेरी वीडियो में एक बात सुनी होगी कि मेरे परिंदे दाना सही नहीं खाते, दाना सही क्यों नहीं खाते, उसकी आज मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह उसकी है ये, जो मैं अपने तोतों के लिए गंदम वगैरह भी घोलता हूँ तो मैं इनके लिए भी घोल लेता हूँ, और ये बड़े शौक से खाते हैं, तो अब इन्हें डेली खा के ना इस चीज़ की आदत हो गई है। अब मैं इनके सामने दाना रखता भी हूँ तो दाना नहीं खाते, इसको देखें किस तरह पागल हो रही है। कोको कोको कहाँ चली गई है भाई, कोको मुर्गी से डर रही थी। ये देखें जी किस तरह शौक से खा रहे हैं, तो इसके बाद इन्होंने कहाँ फिर बाजरा खाना है, और मैं भी आप रोज़ देख देख के कि ये चीज़ पसंद करते हैं, तो मैं भी रोज़ इनके लिए भी गो देता हूँ। खाएं सही तरह ये खुश रहें, उससे अच्छी क्या बात है। गंदम डालनी है तो वो मैंने रोज़ डालता रहूँगा, उसका कोई मसला नहीं है। देखें तीनों आ गए, खाते रहें बस, ये और कोई टेंशन नहीं है। ये देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मुर्गी जंप कर देती है छत से नीचे, तो अब इसे ले के आना पड़ेगा गली में जाके। तो चलें मैं उसे ले के आता हूँ, इसके लिए पहले मुझे इन मुर्गों में बंद करना पड़ेगा और दाना डालना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं, इस मुर्गी का बाद में आपको बताएंगे क्या करना है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।